हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विथ अनदर टॉपिक दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, अब स्टोमेटा इज जनरली इट इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स एंड गार्ड सेल्स आर बीन शेप्ड. है ना, आप गार्ड सेल का स्ट्रक्चर देखो अगर, तो इस प्रकार के किडनी शेप के होते हैं गार्ड सेल, और इनके बीच का जो ओपनिंग है दैट इज स्टोमेटा. दिस ओपनिंग इज स्टोमेटा एंड दीज आर द गार्ड सेल्स. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर ओवर हियर इज गार्ड सेल का स्ट्रक्चर. अब जो गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है वो दिखता था ऐसे सिंपल किडनी शेप, पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. उसका जो इनर लेयर है, जो लेयर स्टोमेटा की ओपनिंग के पास है, दो लेयर है, एक इनर लेयर विच इज टूवर्ड्स द ओपनिंग एंड द लेयर विच इज अवे फ्रॉम द ओपनिंग. ठीक है, ये दोनों गार्ड सेल हैं आपके. इस लेयर का जो वॉल है वो थिक है, और जो आउटर लेयर है या जो पेरीफेरल लेयर है, जो लेयर अवे है स्टोमेटा ओपनिंग से इधर वाली, इसका लेयर थिन है या इसकी थिकनेस बहुत कम है, थिन एकदम. अब पहला काम क्या होता है जब स्टोमेटा को ओपन होता है, होना होता है. सो द फर्स्ट वर्क इज व्हेन द स्टोमेटा विल ओपन. अब देखो ओपन कब होता है, दिन में जनरली होता है. अब ओपन होगा कैसे, सबसे पहले ओपन होने के लिए गार्ड सेल क्या करेंगे, ये जो गार्ड सेल होते हैं ये आयन्स को एब्जॉर्ब करते हैं. किसको एब्जॉर्ब करते हैं, आयन्स को. पहला स्टेप, द गार्ड सेल विल एब्जॉर्ब आयन. कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, एक्टिवली. मैंने पढ़ाया था पहले दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी लगती है, एनर्जी किस फॉर्म में लगती है, एटीपी के फॉर्म में. सो द फर्स्ट थिंग इज द गार्ड सेल विल एब्जॉर्ब आयन फ्रॉम द नेबरिंग सेल एक्टिवली, दैट इज यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अब जैसे ही आयन एब्जॉर्ब कर लेंगे बहुत सारे, तो इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. जैसे इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, अब क्या हुआ, जो नेबरिंग सेल्स हैं वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो अब क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, ओस्मोसिस. ऑस्मोसिस से क्या होगा, नेबरिंग सेल का जो वाटर है, वाटर वो कहां जाएगा, इट विल जंप इनटू द गार्ड सेल. क्यों जंप किया, ताकि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम रख सके. तो अब नेबरिंग सेल का वाटर चला गया गार्ड सेल में, क्यों गया, क्योंकि उसके अंदर आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी. अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली, मैंने क्या बोला, स्टोमेटा का ये इनर लेयर ये थिक है और आउटर, सॉरी स्टोमेटा गार्ड सेल का इनर लेयर ये थिक है और आउटर लेयर थिन है. अब जैसे पानी भरेगा तो ये लेयर तो थिक है, तो ये ज़्यादा इधर से एक्सपैंड नहीं होगा. अगर मान लो ये लेयर बहुत थिन होता, ये जो लेयर है दोनों गार्ड सेल के जो स्टोमेटा के साइड है, अगर ये बहुत थिन होते, जो पानी भरता तो पानी तो हर जगह बराबर प्रेशर लगाता है, तो पता ये ऐसे ना खुल के ऐसे ऐसे भी खुल जाते, खुलते ऐसे तो चिपक जाता स्टोमेटा जितना खुला है और बंद हो जाता, जैसे फुग्गा फूलता है ना, ऐसे फुग्गा है तो हर डायरेक्शन में ऐसा फूल जाता है बड़ा सा. तो अगर ये लेयर थिक नहीं होता तो पानी यहाँ प्रेशर डालता और ये लेयर ऐसे यहाँ से खिंच जाता, तो ये और पास आते और आपका गार्ड सेल बंद हो जाता. बट ऐसा होता तो नहीं है, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये लेयर थिक है तो यहाँ पे प्रेशर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. प्रेशर कहाँ पड़ता है, आउटर लेयर में, और आपका गार्ड सेल की आउटर लेयर स्ट्रेच होती है और आपका स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है. तो इस लेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. अगर ये पतली होती तो फिर ये ऐसे ना खुल के ऐसे खुल जाता और आपका गार्ड सेल और बंद हो जाता. ठीक है, नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज क्लोजिंग. अब इसमें क्लोजिंग की बात करें, क्लोजिंग में सब उल्टा होगा, क्लोजिंग में सब उल्टा होगा. अब गार्ड सेल क्या करेगा, अब गार्ड सेल आयन्स को लूज करेगा. फिर से कैसे लूज करेगा, एक्टिवली नेबरिंग सेल को. जैसे उसने आयन्स को लूज किया तो गार्ड सेल में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई और बाहर आयन की मात्रा ज्यादा हो गई, तो अब पानी कहां से रश करेगा, फ्रॉम द गार्ड सेल इनटू द नेबरिंग सेल. तो फिर ऑस्मोसिस होगा. अब यहां पे ऑस्मोसिस कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है. अब यहां पानी कहां से जा रहा है, गार्ड सेल से नेबरिंग सेल में, नेबरिंग सेल में. और एक बार जैसे सारा पानी निकल जाएगा, स्टोमेटा वापस से सिकुड़ जाएगा और बंद हो जाएगा. सो दिस इज हाउ स्टोमेटा ओपन्स अप एंड क्लोजेस डाउन. आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. थैंक यू.